12.1 के दूसरे का बी वाला सवाल है। व्यंजक दिया हुआ पहले सवाल में माइनस के 4 एक्स प्लस के 5, तो इसमें दो पद हो जाएंगे। पहला पद हो जाएगा माइनस का 4x और दूसरा पद हो जाएगा 5। अब इनके हमें गुणनखंड करने हैं, तो माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस 5 इस प्रकार से इसे गुणनखंड हो जाएंगे। दूसरा है 5y, पहला जो पद है इसमें 5y और दूसरा जो पद है 3y का स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे गुणनखंड हो जाएंगे 5 इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई इंटू वाई। अगला सवाल तीसरा, पहला पद एक्स वाई प्लस दूसरा पद है 2x² y² इसके गुणनखंड होंगे यहाँ पर एक्स गुणा वाई प्लस 2 गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y, तो 2x² और y का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा जो है सवाल नंबर 3, p q पहला पद है और प्लस का q दूसरा पद है, तो इसको इसके गुणनखंड जो होंगे p q p इंटू क्यू प्लस के क्यू, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अगला सवाल, इसमें पद हो जाएगा 1.2ab, दूसरा पद हो जाएगा माइनस के 2.4b और तीसरा पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस के 3.6a। इसके गुणनखंड हम करेंगे तो 1.2 इंटू ए इंटू बी कोष्टक में ले लेंगे, फिर माइनस 2.4b और फिर प्लस 3.6 इंटू ए इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब 3/4x पहला पद है, दूसरा पद है 1/4, इसमें इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। तो इस प्रकार पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सवाल में पहले इनमें से पदों को निकालेंगे और फिर पदों के गुणनखंड हम यहाँ पर अलग ज्ञात करेंगे।